आज हम लोग मोटे माजरा विलेज है चंडीगढ़ के पास, मोहाली का गांव है, वहां पहुंचे हैं इस खूबसूरत लेक को देखने के लिए, इसका रखरखाव देखने के लिए। यहां काफ़ी सारा प्लास्टिक, काफ़ी सारा कचरा जमा हो गया था जिसकी वजह से फिशेस के मरने की खबर थी, माइग्रेटरी बर्ड्स को भी नुकसान पहुंच रहा था। तो हम लोगों ने कुछ, सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया है कि जो क्लींजिंग है वो कर दी जाए, जो डेड फिशेस हैं उनको प्रॉपर दबा दिया जाए गड्ढा खोद के, और प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको निकाल के वॉलंटियर्स के ज़रिए पूरा भर दिया जाए। तो वॉलंटियर्स ने आज यहाँ पे प्लास्टिक इकट्ठा कर दिया है, बॉटल्स इकट्ठी कर दी हैं, और जो नदी के अंदर किसी के स्लीपर थे, किसी का शैम्पू का पैकेट था, कोई दवाइयों का पत्ता था, तो वो सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया है। हम कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज फिर से कर सके, और आपसे अपील है कि आप भी इस तरह के एफर्ट्स में अपना सहयोग करें। ये देखिए प्लास्टिक कितनी बुरी तरह यहाँ जम गया है, वेजिटेशन के साथ ही मिक्स हो गया है, मिट्टी के साथ मिक्स हो गया है। ये देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े टुकड़े प्लास्टिक के यहाँ पे हैं, जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं आज कुछ कंट्रीब्यूट करने की कि यहाँ से हम इस इलाके को थोड़ा सा साफ कर सकें। पूरा साफ करने का तो हमारे बस में भी नहीं है, लेकिन ये अगर हम सब मिल जाएं तो ये हमारे बस में हो सकता है और हम इसको साफ़ कर सकते हैं। आपसे निवेदन है, बार बार हम ये निवेदन कर रहे हैं कि कृपया प्लास्टिक ऐसी जगहों पर, ख़ास तौर पर हमारी वेटलैंड्स में ना डालें, और जितना ज़्यादा हो सके लोगों का सहयोग करके उसको साफ रखने में मदद करें। ये फ्लैपशेल टर्टल है, बहुत कम हो गए हैं पंजाब में, तो मेन इनका स्कैवेंजर्स हैं ये, पानी का जो भी गंद वगैरह वो खाते हैं, फिशेज होगी डेड हो गया। तो अब ये हमको मरा हुआ मिला है, तो वो कितनी टॉक्सिक लेक हो चुकी है, ये टॉक्सिक पानी में भी रह लेते हैं काफ़ी, पर अब इसके साथ पता नहीं क्या हुआ है, कैसे मतलब वो रिसर्च का वो है जो कि अपने स्टेट में तो कोई वाइल्ड लाइफ वाला इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं लगातार श्रमदान दे रहे हैं, लगातार यहाँ से प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं, लगातार जो कचरा यहाँ फैला हुआ है उसको इकट्ठा कर रहे हैं। कचरे का अंत ही नहीं है कोई, आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। आज हम यहाँ पे जितना कचरा हो सके उतना इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें लग रहा है कि सारा तो नहीं हो पाएगा, और हम चाहते हैं कि जितना हो सके हम उतना कर सकें। तो हमें पता चला कि इसका कॉज क्या है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और हमें ये क्यों करना चाहिए। तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस दैट एवरी वॉलंटियर शुड नो कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि अगर हिस्ट्री नहीं पता होगी तो प्रेजेंट में नहीं जी पाएंगे, और प्रेजेंट के बाद फ्यूचर कैसे जिएंगे। तो ये पॉलिथीन देखो, हमने एक टाइम यूज़ किया पर अब ये लाइफ टाइम ये वाइल्ड लाइफ के लिए दिक्कत है, कभी डीकम्पोज नहीं होगा। आपके घरों का प्लास्टिक वेस्ट कैसे हमारी वाटर बॉडीज को गंदा कर रहा है आज आप खुद देखिए, और कितने फिशेज यहाँ पे मर रही हैं प्लास्टिक खा के, माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो रहा है प्लास्टिक, छोटे छोटे छिलके हम जब पैकेट कोई खोलते हैं दूध का पैकेट या कोई और लेज वगैरह कुरकुरे खाते हैं, तो उसका छोटा सा साइड वाला स्लिट जो हम खोल के फेंक देते हैं वो कई एनिमल्स खा के मरते हैं, और बाद में वो वेस्ट सारा वाटर बॉडीज में या फिर लैंडफिल में पहुँचता है जहाँ पर उसको आग लगती है या फिर वो वहीं पड़ा रहता है। लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इसको हम कह रहे हैं कि चीज़ है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एक तरफ हम पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत बोलते हैं या फिर अपने धर्मों में हम बहुत ही अच्छा सत्कार देते हैं वायु को, पानी को, जल देवता को और धरती माता को, और दूसरी तरफ इन्हीं को हम बर्बाद कर रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कृपया अपनी धरती को जो आपको सब कुछ दे रही है रहने को, खाने को, सहने को, उसको बर्बाद मत कीजिए। कुछ नहीं है अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को खराब कर देना, दिस इज नॉट राइट। हम ही क्यों गंदा करते हैं और हम ही साफ करना पड़ता है। जी तो ये कचरा जो है आज आपने यहाँ से इकट्ठा किया सारा? यस सर। तो इसमें क्या क्या चीजें आपको मिक्सअप होके मिली? इसमें स्लीपर्स एंड इसमें प्लास्टिक्स, बोटल्स, बोटल्स, पॉन्ड्स में बोटल्स मिली हमें,
और काफ़ी सारे मतलब ना इट इज़ अ फिशीज भी हैं इसमें एंड देन बहुत चीज़ें हैं मतलब कि ना और देखने लायक है मतलब कि ना कह सकते हैं इतना हम ही लोग ना इतना गंद फैलाते हैं और इससे पोल्यूशन इतना हो जाता है कि बाद में इसे डिसीज बीमारियाँ हो जाती हैं पर्सन को जी। तो आप ये आपका ये क्लियर मैसेज है कि क्यों करते हैं कुछ लोग ऐसा ये वो भी तो हम ही है ना वो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं लेकिन खुशी की बात ये है कि ये जो सामने कुछ लोग मिलकर ये सफाई भी कर रहे हैं तो हमें जुट के करना पड़ेगा कुछ लोगों से नहीं सबसे होगा ये काम सबसे होगा जुट के होगा। बहुत ही खूबसूरत ही मैसेज आपके सामने यहाँ दिया गया है। ये कितनी खूबसूरत जगह है यहाँ पे जुटने वालों की और भीड़ लगनी चाहिए जो यहाँ की सफाई रखना चाहते हैं वो रखें। आज NSS की स्टेट ओपन यूनिट जो है वो यहाँ पे पहुँची है और देख सकते हैं आप सफाई अभियान पूरी तरह से चल रहा है। नेचुरल बायोडाइवर्सिटी ग्रुप की तरफ से जितने भी हमारे मेंबर्स हैं हम लगातार उनको ये मैसेज भी देते रहते हैं जो सोसाइटी है उसको भी ये मैसेज देते हैं बायोडाइवर्सिटी अगर डाइवर्सिटी रहेगी तो बायो भी रहेगा तो जब डाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो बायो पूरा ख़त्म हो जाएगा। बायो में हम भी आते हैं। अगर हमें बचना है अगर हमें जीना है और स्वस्थ जीना है तो हमें ये काम करना ही पड़ेगा इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। ये प्लास्टिक ये केमिकल्स ये सब यहाँ से हटाने पड़ेंगे और आज सोशल सब्सटेंस द्वारा एक अभियान यहाँ पे जो चलाया गया है सबको इकट्ठा किया गया है जिसमें कि अलग अलग तरह के संस्थाएं यहाँ जुड़ी हैं। स्टेट NSS ओपन यूनिट चंडीगढ़ से यहाँ पे आया है ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी यहाँ पे आई है राजपुरा से वॉलंटियर्स आए हैं यहाँ पे। तो ये सफाई का जो अभियान आप देख सकते हैं इसमें हम लोग रिसाइकलेबल अलग इकट्ठा कर रहे हैं जो डेड फिशेज हैं उनको अलग इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उनको दबा दिया जाए ज़मीन में प्रॉपर डिस्पोजल उनका कर दिया जाए ज़मीन में दबा के और जो अलग अलग तरह की चीज़ें मिल रही हैं उनको अलग इकट्ठा करके अलग तरह से डिस्पोज कर दिया जाए। ये कोशिश है और आप सबसे निवेदन है कि आप इस तरह की चीज़ों में अपने अपने लोकल लेवल पे ज़रूर सहयोग दें जो भी आप जिस भी लोकेलिटी में हैं उसको साफ रखें।